ये है भद्रा किला, जहां अहमद शाह प्रथम ने सन 1411 में गुजरात सल्तनत की नई राजधानी अहमदाबाद की बुनियाद डाली थी। उन्होंने इस तरह की बड़ी मस्जिदें बनवाई थी जहां वो नमाज पढ़ते थे, और बड़ी जामा मस्जिद भी बनवाई थी जो आज भी शहर की शान बनी हुई है। हालांकि इस राजवंश की स्थापना अहमद शाह प्रथम के दादा जफर खान ने की थी। वैसे गुजरात सल्तनत की स्थापना की कहानी दिल्ली से शुरू होती है। चौदहवीं सदी में तुर्क मंगोल हमलावर तैमूर ने तुगलकों की हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील ठोक दिया था। उसी के बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, खानदेश और गुजरात में आजाद सल्तनतें कायम हो गई थीं। इतिहासकार पुष्कर सोहनी हमें इस बारे में बताते हैं। गुजरात की सल्तनत बड़ी अहम थी क्योंकि हिंदुस्तान का कब्जा दिल्ली सल्तनत ने किया, और उसके बाद जैसे दिल्ली पे तीमूर लंग का हमला हुआ, उसके बाद काफी हिंदुस्तान के हिस्सों में छोटे छोटे राजा और सुल्तान खड़े हुए और उन्होंने दिल्ली सल्तनत को बगावत दी। इन पहली सल्तनतों में गुजरात का हक है। एक तो बंगाल में शुरू हुआ, जौनपुर जो आज यूपी में है वहां पे एक सल्तनत खड़ी हुई, मालवा और खानदेश और गुजरात उसके बाद। और गुजरात सल्तनत ने इनसे बड़ा मुकाबला करके मालवा और खानदेश से उनको अपने दरबार में सरदार बना लिया। तो मालवा और खानदेश के सल्तनत ये खुद की हुकूमत चलाते थे लेकिन गुजरात के सुल्तान के सामने सर झुकाते थे। गुजरात के सुल्तान 15वीं सदी में पूरी तरह सत्ता के शिखर पर पहुंच गए थे। जब जफर खान या मुजफ्फर शाह प्रथम ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया था, उसे दिल्ली के तुगलक सल्तनत ने गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था। लेकिन सन 1398 में तैमूर के हमले के बाद जब दिल्ली में बेचैनी और अफरा तफरी मची हुई थी, उसने गुजरात में अपनी हुकूमत कायम कर ली। उसके पोते अहमद शाह प्रथम ने 1411 में नए शहर अहमदाबाद को अपनी नई राजधानी बना लिया था। इससे पहले अनहिलवाड पाटन उनकी राजधानी था, जो एक समय सोलंकी राजवंश की भी राजधानी हुआ करता था। ये फैसला बहुत समझदारी का साबित हुआ। अहमदाबाद की भौगोलिक स्थिति की वजह से व्यापार को फलने फूलने के खूब मौके मिले, और देखते ही देखते सल्तनत ने नई ऊंचाइयों को छू लिया। जो दिल्ली के सुल्तान थे नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, जिनका बेटा बाद में फिरोज शाह तुगलक तख्त पे आया, उन्होंने जफर खान नाम के एक सरदार को गुजरात का हुक्मरान बना दिया, वहां का राजा बना दिया छोटा सा। और इन जफर खान ने पाटन से 20 साल तक अपना दरबार चलाया, पहले तो दिल्ली सुल्तान का सरदार होके और बाद में खुद सुल्तान की हैसियत से। 1398 में दिल्ली पर तीमूर का हमला हुआ और तुगलक सल्तनत कमजोर हो गई, और जफर खान ने 1407 में खुद को मुजफ्फर शाह नाम दे दिया और अपना सिलसिला गुजरात में शुरू किया। उनका जो पोता था अहमद शाह पहला, उन्होंने अहमदाबाद शहर बसाया, और पाटन से अहमदाबाद ये सुल्तान चले गए, उनका दरबार चला गया। ये अहमदाबाद पूरा शहर ये 15वीं सदी में 1411 के बाद बसाया गया। पूरे शहर के आसपास बड़ी दीवार थी, ये साबरमती नदी के बगल में था, और जहाँ दरबार और सुल्तान के रहने की जगह थी जिसे भद्रा कहते हैं, भद्रा दरवाजा, वहां से आप साबरमती नदी की तरफ उतर सकते थे। इस पूरे इलाके में बाकी सारे दरबारी जो थे उन्होंने अपने अपने नाम से मस्जिदें बनाई, उन्होंने बाकी कुएं बनाए, बावरियां बनाई। आज आप अहमदाबाद में उन्होंने बनवाई हुई काफी सारी इमारतें देख सकते हैं, बावड़ियां देख सकते हैं, लेकिन जो घर है वो सब बाद में बनाए गए हैं 18वीं 19वीं सदी में।
अहमदाबाद ये महत्वपूर्ण रहा है और वहाँ पे उन्होंने अपनी राजधानी बनाई, इसकी वजह ये थी कि आपको अगर किसी प्रकार का व्यापार करना है तो सूरत की तरफ जाना बहुत लाजिम था और अहमदाबाद दिल्ली और सूरत के रास्ते में बीच में वहाँ से आप सिंध की तरफ भी जा सकते थे। तो जमीन पे जाने वाला व्यापार और समुंदर से जाने वाला, दोनों के लिए अहमदाबाद ये बिल्कुल मरकज में था। अहमदाबाद जरूर जाएं, जो अब यूनिसेफ का वर्ल्ड हेरिटेज शहर है। आज भी आपको वहाँ ऐसी इमारतें मिल जाएंगी जिनमें गुजरात के सुल्तानों की शानो शौकत की झलक देखने को मिलेगी, जैसे कि ये शानदार सिद्धि सैयदनी मस्जिद, जो आज अपनी खूबसूरत जालियों की वजह से शहर की पहचान बन चुकी है, या सूफी मज़ार सरखेज रोज़ा। आप यहाँ के अहमद शाह के ज़माने के भव्य दरवाज़ों और ऐतिहासिक माणिक भुज को भी निहार सकते हैं, जो अपने आप में शहरी बस्ती की बुनियाद है। हालांकि जब शहर बन रहा था और सल्तनत का दायरा फैल रहा था, मालवा और खानदेश जैसे पड़ोसियों के साथ लगातार नोकझोंक चल रही थी। खासतौर पर सन 1417 और सन 1438 के बीच श्रेष्ठता की ये जंग अपने चरम पर थी। खानदेश और मालवा की सल्तनत गुजरात सल्तनत से थोड़े पहले बनी थी और इसकी वजह से जब गुजरात की नई सल्तनत बन गई, उनको लगा कि थोड़ा अपना वजन दिखाएं, लेकिन दिखा नहीं पाया क्योंकि गुजरात के फौज ने इनको पूरी तरह से तबाह कर लिया और खानदेश और मालवा की कुछ जमीन भी ले ली। और उसके बाद मालवा और खानदेश के सल्तनत ये हमेशा गुजरात के नीचे ही रहे। तो गुजरात अगर किसी पे हमला करे, इनसे फौज मंगवा लेते थे खानदेश और मालवा से, और खानदेश और मालवा में जो सुल्तान बनते थे उसके लिए अहमदाबाद सुल्तान की इजाज़त ज़रूरी थी। गुजरात सल्तनत और बहमनी सल्तनत के ताल्लुकात वैसे कम थे, लेकिन जब बहमनी सुल्तान का खात्मा हो गया, उसके बाद जो आदिलशाही निज़ाम शाही ये सब बने, उसमें गुजरात सल्तनत ने बहुत दखल दी क्योंकि ये राज्य छोटे थे और गुजरात के सुल्तान को लगा कि वहाँ कुछ दखल अंदाजी करके अपने लोग वहाँ तख्त पर बिठा ले। लेकिन बाद में अहमदनगर के निज़ाम शाह और गुजरात सुल्तान के बीच बड़ी जंग हुई और कुछ अमन जैसा हो गया, लेकिन दोनों खानदेश के सल्तनत में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे, तो तनाव भी था लेकिन ज्यादा करके अमन था। सबसे बड़ी बात ये थी कि तमाम कलह और लड़ाइयों के बीच गुजरात के सुल्तान ने सभी लाभकारी व्यापारिक गतिविधियां जारी रखी ताकि सल्तनत फलती फूलती रहे। वो पूरे गुजरात पर कब्जे के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने व्यापारिक लक्ष्य को कभी हाथों से फिसलने नहीं दिया। भौगोलिक रूप से गुजरात भी सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तरी, केंद्रीय और दक्षिणी गुजरात जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बटा हुआ है, लेकिन दूसरी सल्तनतों की तरह उसकी स्थिति भी एक महासंघ की तरह थी। गुजरात के सुल्तान व्यापार को बड़ा प्रोत्साहन हमेशा देते थे। उन्होंने अलग अलग कौमों से लोग बुलाकर बिठा लिए जो वहाँ से व्यापार कर सके, और अहमदाबाद और बाद में चंपानेर की अहमियत बनी रहे व्यापार की तौर पे। वहाँ जहाज आते थे सूरत से, तो और दीव से जहाजे मक्का के लिए जाती थी, उन लोगों से भी पैसा मिलता था, वहाँ से तजारती काम होते थे। तो एक तरफ तलवार लेके लड़ाई भी करनी थी, लेकिन ये सब संभाल के व्यापार को कभी बंद करके नहीं। लड़ाइयाँ तो अपनी जगह पे है, वो सियासी है, लेकिन तजारती बात हमेशा जारी रही। तो गुजरात सल्तनत जो पूरे गुजरात, सौराष्ट्र, जूनागढ़ के राजा को शिकस्त दी, महमूद बेगड़ा ने चांपानेर पे कब्जा कर लिया, लेकिन पूर्व गुजरात में ही बसा था अहमदाबाद के आसपास। जो दूर के राजा, उनको एक बार आपने जंग में, युद्ध में हरा दिया,
उसके बाद आपके दरबारी बन जाते थे। जब आपको फौज की जरूरत थी वो अपने घोड़े लेके आपके लिए युद्ध करने आते थे। लेकिन और टैक्स जो होता है वो भी हमेशा पेश करते थे। लेकिन वहाँ अगर सुल्तान 2-3 साल नहीं गया तो वहाँ हमेशा कहते थे कि हम अलग से राजा है। तो ये जो रिबेलियन हमेशा होती थी उसके लिए सुल्तान को हर 3-4 साल जाके ये छोटे छोटे राजा नवाब उनको दिखाना पड़ता था कि यहाँ का सुल्तान कौन है। तो गुजरात के काफी सारे हिस्से बनते हैं जो एक दूसरे से अलग से है। जमीन अलग है, पेड़ अलग है, लोग अलग है। एक तो है कच्छ जहाँ पे एक अपनी ही चलती है। दूसरा है सौराष्ट्र जहाँ पोरबंदर और ये सब राजकोट है। तीसरा है ये खंबायत के यहाँ, तो सूरत खंबायत, और उसी में आगे जाके है अहमदाबाद बड़ौदा वो पूरा इलाका। ये सब इलाकों के जो क्वालिटीज है वो अलग सी है। और आप एक पे अगर हुकूमत चलाए तो इसका मतलब ये नहीं कि सब जगह आपकी चलेगी, क्योंकि एक तो काफ़ी दूर है और सब जगह पे छोटे छोटे राज्य है, छोटे दरबार है। और जो बड़ा राजा या सुल्तान बनता है उनको ये सब राज्यों के साथ कुछ मिलाव जुलाव करना पड़ता है। सो देर इज कॉन्स्टेंट निगोसिएशन विथ ऑल दी स्मॉल प्रिंसली स्टेट्स। और बड़े सुल्तान या राजा की हमेशा यही ख्वाहिश होती है कि ये सब छोटे राजा और नवाब है वो अपने दरबार में दरबारी बने। सन 1458 में गुजरात सल्तनत को महमूद बेगाड़ा के रूप में सबसे ताकतवर शासक मिला। उसके नाम से ही उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने सफलतापूर्वक पावागढ़ और जूनागढ़ के किलों पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए उसका नाम बेगाड़ा पड़ गया। बेगाड़ा, बे यानी दो और गढ़ यानी किले। सन 1484 में चंपानेर पर विजय हासिल करने के बाद महमूद बेगाड़ा अपनी राजधानी अहमदाबाद से चंपानेर ले आए, क्योंकि अपनी पुरानी राजधानी में राजपूत राजाओं के बनाए किले सुल्तान की नई राजधानी की सुरक्षा के लिए उपयुक्त थे। महमूद बेगाड़ा के शासन में चंपानेर ने अपना सबसे सुनहरा दौर देखा। शहर की भव्य इमारतों में उसके सबूत आज भी देखे जा सकते हैं। सन 2004 में चंपानेर और पावागढ़ को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया। लेकिन चंपानेर लंबे समय तक सुल्तानों की राजधानी नहीं रह सका। जल्द ही अहमदाबाद को दोबारा राजधानी बना दिया गया। हर राजा या सुल्तान जो एक लोगों के लिए विरासत छोड़ना चाहता है, कुछ नया बनवाना चाहता है, हमेशा अपनी राजधानी बदल देते हैं। कभी ऐसे होता है कि युद्ध के हिसाब से कुछ जगह बेहतर होती है, आप उनकी हिफाजत अच्छी तरह से कर सकते हैं। कभी कहीं की हवा और पानी ज्यादा अच्छा हो उस वजह से। तो ये सब सोच इकट्ठा करके महमूद बेगड़ा ने ऐसे सोच लिया कि अगर चंपानेर में नई राजधानी बनाए तो उनका भी नाम एक नए शहर के साथ हमेशा जुड़ा रहेगा और बाकी तो खूबियां उस जगह में सब है। चंपानेर ये पहले से बहुत महत्वपूर्ण जगह थी और 1480 के आसपास महमूद शाह, महमूद बेगड़ा ने वहां जाके जो वहां के चौहान राजपूत है उनको शिकस्त दे दी। ये रावल कहते थे खुद को। और उसने वहां पे चंपानेर में जो बाकी सब जगह पानी का मसला था, चंपानेर में बिल्कुल नहीं था, तो वहां नया शहर बनाने की सोच से वहां अपना पायतख्त या राजधानी बना दी। ये पूरे शहर के चारों तरफ उन्होंने दीवार बनवाई और वहाँ पे काफ़ी सारे बाग बनाए गए जिसमें फल आते थे, फूल आते थे। और चंपानेर ये उसके पास नज़दीक में जो पावागढ़ है उसकी वजह से एक महत्व रखता था। वहाँ
एक बड़ा जैन मंदिर भी है। सुल्तान महमूद बेगड़ा की बड़ी ख्वाहिश थी कि अपनी राजधानी चंपानेर बने, लेकिन वहां से राज करना बहुत मुश्किल था और उनके बाद वापस अहमदाबाद में आ गई। चंपानेर बस शहर बना रहा, लेकिन उसकी अहमियत थी, उसका महत्व था, वो कम होते गया। तो जैसे अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनाई और सोच लिया वहां राजधानी होगी, लेकिन कुछ शहर बस चलते नहीं है। गुजरात सल्तनत का अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए भी लोहा माना जाता है, उसी वजह से उसकी एक खास पहचान भी है, जिसके उदाहरण अहमदाबाद, चंपानेर और पावागढ़ जैसे शहरों में देखे जा सकते हैं। विद्वानों का कहना है कि सल्तनत के दौर में वास्तुकला की जो शैली विकसित हुई वो दरअसल कई शैलियों का मिश्रण है। ये टकराहटों का प्रतीक नहीं है, जैसे कि कई बार कहा जाता है। अभी गुजरात सल्तनत में उस दरबार में काफी सारे मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, और जबरदस्ती किसी को मजहब तब्दीली करने के बारे में कुछ हम ज्यादा जानते नहीं हैं। एक तो काफी सारे जो मस्जिद है या बाकी सल्तनत में बनी इमारतें हैं, उनको देख के आपको लगेगा ये इनकी शक्ल कुछ मंदिरों से मिलती है। इसकी वजह यह है कि कारागीर और वहाँ का पत्थर, ये जो सोलंकियों ने इस्तेमाल किया वही सुल्तानों ने भी इस्तेमाल किया, तो उसी किस्म के डिजाइन नक्शी आपको दिखाई देगी। लेकिन इसका हमेशा ये मतलब नहीं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, ये नई कारागिरी है, लेकिन पैटर्न्स वही है, डिजाइन वही है, वही लेके कुछ नई चीज बनवाई। जैसे ज्यादा से ज्यादा यही फर्क दिखता है, अगर हिंदू मंदिर होता या उसके पत्थर होते तो वहां जानवर दिखाई देते आपको, लोगों के शिल्प दिखाई देते, लेकिन जो सल्तनत ने बनवाए उसी डिजाइन से, उसमें आपको आदमी और जानवर नहीं नजर आएंगे, लेकिन फूल पत्ते बस वही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो कारागिर जो है उनका ताल्लुक है काम करने से, इमारत बनवाने से, शिल्पकारी दिखाने में, और उनके लिए जो कोई उनको काम दे रहा हो और पैसा दे रहा हो उसके लिए करेंगे। तो जैसे गुजरात की 14वीं-15वीं सदी में एक किताब भी लिखी गई जो ये वास्तुकारों ने लिखी थी, और उसमें 4-5 किस्म के मंदिरों के बारे में बात की है, और एक मंदिर है उस प्रकार को कहते हैं रहमान आलय, जो है मस्जिद। तो उनके लिए बस आप अंदर मूर्ति रखें या मीराब की तरफ नमाज अदा करें, बात एक ही थी उनको। वो तो जानते थे दीवारें बनवाना, कंबों पे गुंबज बनवाना, तो और नक्शी और उस किस्म का काम करना। लेकिन शांति और खुशहाली ज्यादा समय तक कायम नहीं रह पाई। सन 1500 के आरंभ में गुजरात के सुल्तानों को दो बड़े खतरों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो थी मुगलों की बढ़ती ताकत और दूसरे पुर्तगाली। पुर्तगाली भी भारत में अपने कदम जमाने की कोशिश में लगे हुए थे। सन 1509 में दीव युद्ध के बाद पुर्तगालियों ने गुजरात सल्तनत के दीव द्वीप पर कब्जा कर लिया। सन 1526 में सुल्तान सिकंदर शाह की हत्या कर दी गई। उसी के साथ धीरे धीरे सल्तनत का पतन शुरू हो गया। हालांकि मुगल शहंशाह हुमायूं ने सन 1535 में कुछ समय के लिए गुजरात को जीत लिया था, अकबर ने 1573 में गुजरात पर कब्जा कर लिया था, और गुजरात के अंतिम सुल्तान मुजफ्फर शाह तृतीय को गिरफ्त में ले लिया था। उसी के साथ सुल्तानों की हुकूमत खत्म हो गई थी। महमूद बेगड़ा के बाद गुजरात सल्तनत को काफी नए दुश्मनों से का सामना करना पड़ा, जैसे पोर्चुगीज ये साहिल पे आए थे, उन्होंने दीव में पहले फैक्ट्री बनवाई, बाद में वहां से गुजरात सुल्तान पे हमले करते रहे। उत्तर से भी मुगल आ गए 16वीं सदी में,
और जैसे पहले दिल्ली सुल्तानों ने पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा किया था, वैसे अभी मुगलों ने अपना सिलसिला शुरू किया। तो उन्होंने पहले मालवा ले लिया, राजस्थान के काफी सारे हिस्से ले लिए और गुजरात की तरफ बढ़े। तो गुजरात के सुल्तान 16वीं सदी में 1500 के बाद कमजोर होते गए और दो तरफ से आपको दुश्मनों का सामना करना पड़ा। ऊपर से आ रहे हैं उत्तर से मुगल, नीचे से समंदर से आ रहे हैं पोर्चुगीज, उसमें बड़े कमजोर हो गए। और आखिर में जो गुजरात का आखिरी सुल्तान था उनको तो बस दीव के पास समुंदर में ही पोर्तुगीज लोगों ने मार दिया। गुजरात सल्तनत के समाप्ति के बाद भी अहमदाबाद का महत्व कम नहीं हुआ, क्योंकि ये सिंध और मालवा जैसे शक्तिशाली क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण शहर था। सच ये है कि मुगलों के शासन में भी गुजरात की एक खास अहमियत हुआ करती थी। गुजरात सत्ता पाने की एक सीढ़ी की तरह था। मुगल शहजादों को पहले गुजरात का सूबेदार बनाया जाता था, उसके बाद ही वो तख्त पर बैठते थे। तो गुजरात सल्तनत के तबाही के बाद मुगलों ने गुजरात को अपने साम्राज्य का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और जो मुगल शहजादे थे उनको हमेशा वहाँ भेजा जाता था कि आप वहाँ का गवर्नर बनो, आप वहाँ के सब इंतजाम संभाल लेना। गुजरात से आप कच्छ की तरफ, ठट्टा की तरफ हमले भी चला सकते थे, वहाँ से आप आगे कंदाहार भी जा सकते थे। तो स्ट्रेटेजिकली एक गुजरात हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। और ये तो जैसे मालवा, आपने मालवा पे कब्जा कर लिया तो आप दक्खन की तरफ आसानी से जा सकते हैं, तो बुरहानपुर को एक महत्व आ गया। वैसे ही अहमदाबाद का महत्व रहा कि वहां से आप सिंध जा सकते हैं। सूरत का कहा जाए तो मुगलों का सबसे बड़ा बंदर भी था और वहां से जहाज जो जाते थे वो युद्ध के लिए नहीं, लेकिन हाजियों को मक्के की तरफ ले जाते थे। वहां से व्यापारी जहाज बड़े संख्या में जाते थे। तो गुजरात का महत्व ये तजारत के लिए था सूरत से, हज के लिए था सूरत से, लेकिन अहमदाबाद जो था वो सिंध की तरफ बढ़ने के लिए या मालवा की तरफ बढ़ने के लिए बड़ा महत्व रखता है। मुगल साम्राज्य में तीन चार जगह, तीन चार सूबे ये बहुत महत्व रखते हैं। एक था गुजरात, एक था दक्खन और एक था बंगाल। और जो शहजादा बाद में बादशाह बनना चाहता था उनको ये तीनों जगह पे गवर्नर की तौर पे बिठाया जाता था। गुजरात की अहमियत थी कि इस प्रकार का व्यापार वहां से होता था कि बहुत पैसे मुगल साम्राज्य के लिए वहां से आते थे और जिसके पास उस पैसों पर कंट्रोल हो वो बादशाह बनने की तमन्ना हमेशा रख सकता है। तो बंगाल, दक्खन और गुजरात ये तीनों बड़ी अहमियत रखते थे, लेकिन तजारत सबसे बड़ी, व्यापार सबसे बड़ा ये आपको गुजरात में दिखाई देता है और उसके साथ जुड़े होते हैं पैसे। आज भी इन मध्ययुगीन ताकतवर शासकों की विरासत जीवित है, फिर चाहे वो वास्तुकला में हो, साहित्य में हो या फिर कपड़ों में। गुजरात सुल्तानों ने व्यापार के काफी सारे शहर बसाए, जैसे सूरत या दीव। उनमें से जो बंदर थे उनका महत्व कम हो गया, लेकिन सूरत आज भी हीरों के लिए दुनिया भर जाना जाता है। गुजरात में ट्रेडिंग, इसकी अहमियत ये आपको बड़ी तौर पे सल्तनत के बाद दिखाई देती है। सल्तनत के दौर में गुजराती जबान में बहुत सारा लिखा गया, गुजराती जबान तैयार होती गई। जो रीजनल आइडेंटिटीज काफी सारी पूरे हिंदुस्तान में है वो आपको सल्तनत की दौर में दिखाई देती है, जैसे निजाम शाहों ने मराठी के लिए या आदिल शाहों ने
कन्नड़ा के लिए कुतुब शाह ने गोलकोंडा के तेलुगु के लिए कुछ किया, वैसे ही गुजराती जबान के लिए गुजरात सुल्तानों की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो एक आर्किटेक्चर की यानी मेमारी की वास्तुकला की एक शैली थी गुजरात में, पहले से थी, वहाँ काफ़ी सारे मंदिर भी बने थे, वही सल्तनत ने संभाल के रखी। और उनके दौर में काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के बिल्डिंग भी बने, उन्होंने बड़ा प्रोत्साहन दिया इन सब वास्तुकारों को, इन सब कारागिरों को, तो वो जो परंपरा है वो खंडित बिल्कुल नहीं हुई। जो पहले वहाँ लोग इमारतें बनाते थे उनका सिलसिला जारी रहा 19वीं-20वीं सदी में भी। आपको अगर लकड़ी में या दूसरी किस्म की कारागिरी चाहिए तो गुजरात से सुतार और कारागिर बुला लेते थे। सल्तनत के दौर में गुजरात कपड़े के लिए बड़ा मशहूर हुआ, वहाँ से जो पोर्तुगीज या इंग्लिश आते थे, यूरोप से आते थे, उन सबको हिंदुस्तान के कपड़ों से बड़ी मोहब्बत थी, और वो काफ़ी सारे कॉटन के क्लॉथ्स, कैलिकोज जिसको कहते हैं, वो वहाँ से ले गए। और 20वीं सदी में जो अहमदाबाद में मिल्स बने, टेक्सटाइल मिल्स, वो उसी विरासत का एक हिस्सा है। गुजरात सल्तनत ने सन 1407 से सन 1573 तक यानी 150 साल से ज्यादा हुकूमत की, और वो एक बेहद महत्वपूर्ण दौर था। जब आप उनकी छोड़ी हुई राजधानियों को देखने जाएंगे तब आपको सल्तनत की शानदार विरासत का अंदाजा होगा।